सबकी जिंदगी में आप लोग का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल्स वाली मैगी, हरी सब्जी की मैगी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत सिंपल है, सबको बहुत पसंद आती है और आप इसे बच्चों को किचन में भी दे सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए देख लेते हैं इसे मैं कैसे बनाती हूँ। मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी ऑनियन। ऑनियन को हम छोटे छोटे काट लेंगे और इसे हम गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। इसे हम ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करेंगे। तो प्याज जो है वो गुलाबी ब्राउन हो चुकी है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी गाजर के छोटे छोटे पीसेस जो मैंने काट लिया था। और जैसा कि आप लोग को पता है ठंडा आ चुका है, तो ठंडे में गोभी, गाजर, मटर छीमी अवेलेबल रहती है मार्केट में, इसलिए आपको ये रेसिपी तो ट्राई करना ही चाहिए। और ठंडे के मौसम में ये रेसिपी नहीं बनाया तो क्या बनाया। गाजर से मैं एक बात और बता दूं कि मैं गाजर के हलवे की बहुत ही जल्द रेसिपी लेके आने वाली हूं, तो आप अपनी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको सारी रेसिपी पहले मिले। अब मैं इसमें डाल दूंगी फूलगोभी जो कि मैंने छोटे छोटे काट लिया था, हम ज़्यादा बड़े बड़े नहीं रखेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी मटर के दाने जो कि सबका फेवरेट है और ये सबको अच्छी लगती है, इसलिए तो मैं ये रेसिपी लेके आई हूँ। अब मैं सारी सब्जियों को अच्छे तरीके से प्याज के साथ मिला लूँगी ताकि सब्जी भी फ्राई हो जाए और सब्जी में पानी ना रहे। तो सब्जी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। अब हम इसमें डाल देंगे जायका इशरत के हाथों का नमक स्वाद अनुसार। नमक और हल्दी मिलाने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे ताकि नमक और हल्दी भी सब्जियों में अच्छे तरीके से मिल जाए। इसी तरीके से हम सब्जियों को कुछ और देर तक पका लेंगे हम। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर को मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है और अब हम इसे भी अच्छी तरीके से सब्जी में मिला लेंगे ताकि टमाटर का भी फ्लेवर सब्जी में अच्छी तरीके से आ जाए। मैं यहाँ पर मैगी मसाले की यूज़ कर रही हूँ, जो कि आपको जब मैगी हम लोग खरीदते हैं उसके अंदर में जो मैगी मसाले आते हैं वो मसाले के मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास वो मसाले नहीं हैं तो आप मैगी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है सब्ज़ी। मैंने यहाँ पे मसाले को डाल दिया था और मसाले को मैंने अच्छे तरीके से सब्जी के साथ भून लिया है और सब्जी में से तेल भी बहुत अच्छा छोड़ चुका है। तो अब मैं सब्जी को कुछ देर के लिए ढक दूँगी ताकि मटर के दाने, गाजर भी अच्छे से अंदर से पक जाए। इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 से 7 मिनट हो चुका है और ये देखिए गाजर, मटर छेमी ये सब अच्छे तरीके से गल चुकी है, ये देखिए। और चलिए अब हम मैगी की तरफ देख लेते हैं। तो हमने मैगी को पानी में बॉईल कर लिया था, उसमें हमने डाला था तेल, नमक और हल्दी डाल के बॉईल कर लिया था। नॉर्मल हमें बॉईल करना है इस तरीके से, देखिए। और हमने बॉईल करके इसे निकाल लिया है और मैगी को ज़्यादा नहीं गलाना है, वरना मैगी अगर ज़्यादा गल जाएगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी खाने में। तो ये देखिए मैगी जो है बॉईल हो चुकी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैगी स्टिकी ना बने और थोड़ी खिली खिली बने तो आप इसमें तेल डाल के इसे इस तरीके से मिला लें। तो देखिए मैगी को भी हमने अच्छे से मिला लिया है तेल के साथ और सब्जी तो पक ही चुकी थी, गल गई थी। तो अब हम इसमें मैगी को मिला देंगे इस तरीके से। ये देखिए ये वेजिटेबल वाली मैगी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, सबको बहुत पसंद आता है। बच्चों को भी आप सब्जी इसके साथ दे सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा विटामिन से भरी होती है। तो हमने मैगी भी इसमें डाल दिया है इस तरीके से, ये देखिए। और मैगी देखिए कितनी खिली खिली बनी है और मैगी जो है वो स्टिकी नहीं है, ये देखिए। तो चलिए मैगी में हम कुछ मसाले भी मिला लेते हैं। वैसे हमने वेजिटेबल में पहले ही मसाले मिला लिया था, बट हमें मैगी को भी थोड़ा मसालेदार बनाना है, थोड़ा और ज़्यादा टेस्टी बनाना है, तो उसके लिए हमने मैगी में मैगी मसाला डाला है और ये जो पैकेट में जो आती है मैगी उसके साथ जो मसाले हैं वो भी डाला है, ठीक है। और इसमें हम थोड़ी और नमक डाल देंगे ताकि नमक का टेस्ट थोड़ा आ जाए। वेजिटेबल्स में हमने नमक डाला था और मैगी में भी थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है।
और फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, देखिए, और इसे हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। वेजिटेबल वाली मैगी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, और अभी सब्जियों की सीजन भी है तो आप ये मैगी ज़रूर बनाएं अपने घर पे, और सबको बहुत पसंद आते हैं और बच्चों को भी टिफिन में आप दे सकते हैं। तो देखिए मैगी जो है वो बनकर तैयार है, उसे हम निकाल लेंगे। और आपको मेरी मैगी की रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।